पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजू जॉर्ज जोसेफ जो कि पहली दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस कमिश्नर बनने के बाद कर रहे हैं। यही बात सामने आई है ना, जेल में रहते हुए जेल में बंद कन्विक्ट से इनके संपर्क था। डिमांड जो की थी काली शूटर के कहने से आगे जो यूएस और इंग्लैंड में दो अलग अलग कंट्री से अलग अलग प्रदेशों से आए थे, एक डॉक्टर के पास आए थे यूएस से थ्रेट कॉल और दूसरा डॉक्टर के पास आए थे इंग्लैंड से थ्रेट कॉल आए थे, दोनों के पास 50-50 लाख का डिमांड था। पॉलिटिकली उनका कोई एस्पिरेशन हो या नहीं हमारे को इतना आइडिया नहीं है डॉक्टर्स का, लेकिन ये जो लेडी है उन्होंने इसीलिए डिमांड किया कि उनको पॉलिटिकल एस्पिरेशन थे, इनको कोई चुनाव लड़ना था या कोई नेता बननी थी, इसीलिए उनको पैसे की जरूरत था, तो उनका मित्र के जरिए उन्होंने डिमांड किया है। सर, ये जो इंग्लैंड और अमेरिका से फोन आए थे तो ये मतलब क्या धमकी दी उन्होंने, किसके नाम से? लॉरेंस गैंग के नाम से धमकी दिया। और आपको वापस ये बोलना चाह रहा हूं कि पहली बार ये हो गया कि हमें एग्जैक्टली कौन यूएस से या इंग्लैंड से ये बातें की, वो उसकी आइडेंटिटी हमारे पास है, और यहां पे इंडिया में भी इस कॉन्स्पिरेसी में जो भी इन्वॉल्व है वो पूरा लाइन क्लियर हो गया है। इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत एमएलएटी के जरिए या लेटर रोगेटरी के तरफ हमें इनके एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो उसके बाद उन क्रिमिनल्स को हम या तो डिपोर्टेशन में लाएंगे या एक्सट्रेडिट करेंगे। ये लोकल यहां का रहने वाली है, उनको जानकारी था। उनमें से एक डॉक्टर के हॉस्पिटल में ये जो अरेस्ट शुदा महिला है उनके कोई ब्लड कैंप वगैरह लगा हुआ था पिछले साल में। जिसके पिता बीडी सिगरेट के ठेले लगाते हैं जैसे बताया गया, तो इंट्रोडक्शन कुछ लगा रहे, क्या ऐसा